और कहते मैया मैं इतना भोला हूँ और ये चालाक है तो मेरा मजाक उड़ाती। ए मैं भोरा ये चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पत्थर और पंजा। मैं भोरा ये चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पत्थर चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकर उमरिया। मैं बोलो ये चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकर उमरिया। छोटी सी यति राम गुठरिया छोटी सी यति राम गुठरिया घरे में टुकिया मोन पत्र। फिर इसने मेरे पास लाके अपनी माखन की मटकी रखी। धरे मटकिया मोर निकट गोरस की तत्काल। माखन दूंगी घणो सा तुम चैटी पीनो लाल। मैंने आपकी चैटी बीनी मैंने आपकी चैटी बीनी ये नजर रख गई सोए मैया सब में घर के सलो गुलाबे घर में जात ने सो यहाँ पे तो तेरी तारीफ कर रही है और यहाँ से निकलते ही तेरी बुराई करेंगी। बहुत गिरते हैं भैया ओ तेरे मुंह पे करे बड़ाई बाहर निकसत करे बुराई। तेरे मुंह पे करे बड़ाई बाहर निकसत करे बुराई। तेरे मुंह पे करे बड़ाई बाहर निकसत करे बुराई। तेरे मुंह पे करे बड़ाई बाहर निकसत करे बुराई। ऐसी ब्रज की भीत लुगाई ऐसी ब्रज की भीत लुगाई इनको पतिया रो करे मैं झूठी ये शाह। चोर नाम मेरियो धर्यो होन तुम्हीं ब्याह। इनका एक ही उद्देश्य है मैया ये कहती है लाला तुम्हारा विवाह नहीं होने देंगे। इनको पतियारो करो मैं झूठी ये शाह। चोर नाम मेरा धर्यो होने न दूंगी ब्याह। मोत इन सो ऐसो कीनो मोत इन ने ऐसो कीनो जैसी करें कोई मैया सब में घर से चलो बुला में घर में बात ने दो मैया सब में घर से चलो बुला में बाल घर में दो घर में बाल ने दो एक दिया घर में बाल ने दो मोहन की को सुन सुन कस बैठी सुन बैठी देहरी द्वार पे। तोल तोल ले जाओ जी को जी तो खायो है पर गारी मत दियो हम गरीब नी को जायो है। जिसका जितना मांग हम खाया है तोल तोल के ले जाओ लेकिन मेरे लाल को कोई गाली नहीं देना। हम गरीब नहीं का है जैसा माखन चोरी का है विश्राम। इसके बाद भगवान का गौ पूजन कराया गया। गौ पूजन कराया भगवान जाके गौ चराए। यहाँ प्रमाण ये मिलता है
कि ग्राम जी से गुरु जी ने गौ पूजन कराया था वशिष्ठ जी ने, और यहाँ माया ने कन्हैया जी से गौ पूजन कराया। इसका मतलब क्या है? गौ गावो विश्व माता, गाय विश्व की माता है और हम उस माता को भूल बैठे। तो गौ पूजन करा के मैया ने कहा लाला इसको चराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भगवान रोज चराने जाते थे। इसके बाद वृत्तासुर का वध किया। अघासुर आया, अजगर के स्वरूप में था। अजगर के स्वरूप में था तो बड़ा मुंह फाड़ के बैठा। ग्वालों ने समझा कोई बड़ी गुफा है। ग्वाल उसके अंदर प्रवेश कर गए। भगवान कन्हैया समझ गए, उसकी आंखें चल रही थी इधर उधर। भगवान ने कहा लेकिन ग्वाले घुस गए तुम जाना तो मुझे भी पड़ेगा अंदर। भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान उसमें प्रवेश किए तो अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिए। भगवान ने शरीर फुलाया, अकबर अजगर दो हिस्सों में बट गया, फट गया बीच से। भगवान ने उसका आधार स्वरूप का उद्धार किया, उद्धार किया। अब यहाँ पर एक बहुत ज्ञानमय विवेकमय लीला आती है, इसको सुनो। नवमीनते ब्रह्म अपने चरम तड़ दिमराया। भगवान ने ऐसा नियम बनाया कि हम लोग रोज गाय चराने आते हैं तो प्रत्येक ग्वाला खेतों पर अपने घर से वो लाया करेगा खाने के लिए। कहते ना खेत पर ले जाते हैं कलेवा, जो भी बोलते वो ले जाना। तो सब लोग कभी कोई बेजर के रोटियां ला रहा है, कोई बाजरे के लड्डू ला रहा है, कोई गुड़ और मट्ठा ला रहा है, जैसा जिसका बनता वो ले जाता है। एक दिन मधुमंगल का समय आया, आज उसको लाना था वो नहीं लाया, चूंकि मधुमंगल गरीब था। मधुमंगल तू कछु ना लाया, कन्हैया तुम मेरे घर का भोजन करोगे, मैं तो गरीब हूँ। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, जो है वो ले क्या। दौड़ा दौड़ा गया, मैया से बोला मैया आज कन्हैया हमारे घर को भोजन करेगा। मैया के नेत्रों में जल आ गया, आंसू आ गए। मैया ने कहा लाला भोजन तो करेगा लेकिन हमारे घर पे कन्हैया के ताई है कछु ना है। अच्छो कहाँ गए भोजन? लाला तीन दिन पहले अपने घर में अन्न के दर्शन हुए थे, तीन दिन पहले कढ़ी बनाई थी हमने, उसके बाद हमने अन्न के दर्शन नहीं किए, इतनी गरीबी है हमारे घर में। लाला बोला मैया तेरी जो मजबूरी मोको हमेशा नीचे दिखाए है। मैया कह के चुपचाप बैठ गई। लाला नहीं माना, इधर उधर घुसा, रसोई में देखा तो मिट्टी के बर्तन में एक थोड़ी सी कढ़ी रखी थी, तीन दिन की कढ़ी। कढ़ी एक बर्तन में पलटी, दौड़ के ले जाने लगा। आज कन्हैया हमारे घर को भोजन करेगा, हम प्रसन्न होएंगे। ले गए, पहुंच गया नजदीक झाड़ी के इस ओर मधुमंगल है, उस ओर भगवान कन्हैया। बुद्धि ने काम दिया, बुद्धि ने उस समय रोका, मधुमंगल रुक, कहां ले जा रहा कड़ी को? कन्हैया तेरे भाव को समझेगा, वो ईश्वर है, लेकिन बाकी जो ग्वाल वाल हैं वो तेरे भाव को नहीं समझेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, इस समाज में तेरा दुष्प्रचार करेंगे, तुझे लगेगा कि गरीब होना एक गुनाह है, एक पाप है। नहीं, इस कड़ी को मैं नहीं ले जाऊंगा। उसको पीने लगा। भगवान से क्या छिपाता, भगवान ने पलट के देखा, कहा मधुमंगल चोरी कर रहे हो। छलांग लगाई भगवान ने, गर्दन को पकड़ा और उसके सीने पे जो कड़ी गिरी उसको उठा के चाटने लगे। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो झूठन खा रहा है वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा अभी इसका अहंकार नष्ट करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल गोपी गाय बछड़े सब कुछ चुरा लिए, उनका हरण कर लिया, ब्रह्म लोक में ले गए। भगवान ने भी नेहले पे देला मारा, योग माया को बुलाया, योग माया गाय बछड़े ग्वाले वाल तैयार करो। योग माया ने वैसे ही गाय बछड़े और ग्वाल वाल गोपियां सब तैयार कर दिए, सारे के सारे तैयार कर दिए। एक वर्ष तक ये लीला चली, एक वर्ष तक। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हमारे पास ये हैं ग्वाल वाल वगैरह लेकिन इनकी किसी ने खोज नहीं लगाई, मामला क्या है? उन्होंने कहा मैं देख क्या था, पृथ्वी लोक की ओर आने लगे, भगवान कन्हैया को मौका मिल गया। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक खाली है, कब्जा कर लो। भगवान कन्हैया ने अपना ब्रह्मा का रूप रखा, हंस पे सवार हुए, हंस पे सवार होके पहुंचे हैं ब्रह्मलोक। दो दरबार खड़े थे द्वारपाल, उनसे उन्होंने देखा ब्रह्मा जी आप अभी तो गए थे और आ गए। बोले इसलिए आ गए कि एक नकली ब्रह्मा और घूम रहा है,
एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, कहीं वो आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हम अंदर बैठे हैं, अगर वो इधर आए तो देख लेना। द्वारपाल बोले चिंता मत करो, नकली ब्रह्मा को आने तो दो, वापस जाएगा नहीं आएगा तो सही। भगवान अंदर बैठे हैं, इतने में असली ब्रह्मा आ गए। द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, किसको रोक रहे हो? बोले नकली आदमी को।